मैं हूं प्रज्ञा, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 4 जनवरी, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। जन्म प्रमाण पत्र से मिलते हैं ये लाभ, यहां से करें प्राप्त। नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी से पास शिक्षकों की तुलना में ज्यादा मिलेगा वेतन। बिहार बोर्ड ने डीएलएड एडमिशन को लेकर जारी किया नोटिस। हिट एंड रन कानून के विरोध से यात्री परेशान। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में मोहम्मद सिराज ने बढ़पाया कहर। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज के 30 पदों के लिए निकाली भर्ती। पटना हाई कोर्ट की ओर से डिस्ट्रिक्ट जज के 30 रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, वह पटना हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 जनवरी तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों ने लॉ में बैचलर डिग्री प्राप्त की हो, इसके साथ ही अभ्यर्थी ने 7 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस की हो और अंतिम 3 वर्षों में प्रतिवर्ष 24 केस हैंडल किए हो। इसके अलावा उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 35 वर्ष एवं अधिकतम आयु 50 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए एक बार जारी किए गए नोटिफिकेशन को जरूर देख लें। बिहार के 10 आईपीएस अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। बिहार सरकार के गृह विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार सरकार के द्वारा 10 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसके तहत भारतीय पुलिस सेवा के अफसर सुनील कुमार को पटना में अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा बनाया गया है। वहीं इसके अलावा आईपीएस राकेश राठी को पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय पटना की जिम्मेदारी दी गई है। आईपीएस विनय कुमार को पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा पटना बनाया गया है। आईपीएस शिवदीप वामन राव लांडे को पुलिस महानिरीक्षक तिरहुत क्षेत्र मुजफ्फरपुर बनाया गया है। आईपीएस गरिमा मलिक को पुलिस महानिरीक्षक केंद्रीय क्षेत्र पटना बनाया गया है। आईपीएस विकास बर्मन को पुलिस उप महानिरीक्षक सारण क्षेत्र छपरा के पद पर भेजा गया है। आईपीएस मनोज कुमार को पुलिस उप महानिरीक्षक कोशी क्षेत्र सहरसा के पद पर भेजा गया है। आईपीएस विकास कुमार को पुलिस उप महानिरीक्षक पूर्णिया क्षेत्र पूर्णिया बनाया गया है। आईपीएस बाबू राम को पुलिस उप महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा के पद पर भेजा गया है और आईपीएस राशिद जमा को पुलिस उप महानिरीक्षक बेगूसराय क्षेत्र बेगूसराय बनाकर भेजा गया है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे गांधी घाट के बारे में। गांधी घाट बिहार में गंगा का सबसे विकसित और पर्यटक हितैषी तट है। यह आगंतुकों के लिए एक आश्चर्य के रूप में आ सकता है कि हालांकि पटना में रिवर फ्रंट 11 मील तक फैला है, लेकिन यह वाराणसी या हरिद्वार में शहर के रूप में विकसित या अभिन्न नहीं है। जबकि इससे पहले कई उल्लेखनीय स्मारक जैसे दरभंगा महाराज का महल, किला हाउस शेरशाह सूरी का किला और टेकरी हाउस घाटों के किनारे बनाया गया है। रिवर फ्रंट काफी आकर्षक और सुंदर है। मॉनसून के दौरान गंगा विशेष रूप से राजसी होती है, जब मूसलाधार प्रवाह और ठंडी हवाएं किनारों को शांत करती है। सभी बैंकों में से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पीछे स्थित गांधी घाट सबसे प्रमुख और पर्यटकों के अनुकूल है। आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार हर शनिवार और रविवार को गांधी घाट पर एक आरती का आयोजन करती है। यह अनुष्ठान एक दिलचस्प चमत्कार है, जहां पुजारी मंत्र और भजन की लय में जलाए गए दीपक और धुआंधार धूप के साथ समकालीन जप और भजन करते हैं। जन्म प्रमाण पत्र से मिलते हैं ये लाभ, यहां से करें प्राप्त। बिहार सरकार के योजना एवं विकास विभाग के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा आईपीआरडी बिहार के तहत पोस्ट शेयर कर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है। बता दें कि शेयर किए गए पोस्ट के अनुसार जन्म रजिस्ट्रीकरण कराना कई कारणों से जरूरी है, क्योंकि इससे जन्म की तारीख एवं स्थान का प्रमाणिक दस्तावेज होता है, स्कूल में दाखिला के समय या पासपोर्ट आदि बनाने में उपयोगी होता है। आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में जन्म रजिस्ट्रीकरण आप शिशु के जन्म चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हो तो संबंधित स्वास्थ्य संस्थान के अधिसूचित रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु अधीक्षक, उपाधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से जन्म या मृत्यु का प्रमाण पत्र प्राप्त करे। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला के जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सह अपर जिला रजिस्ट्रार से संपर्क किया जा सकता है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की छुट्टी के नियम में किया बड़ा बदलाव। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की छुट्टी में बड़े बदलाव किए गए हैं। बता दें कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद के द्वारा गाइडलाइन जारी कर इसके बारे में जानकारी दे दी गई है, जिसके तहत अब महिला शिक्षकों को मात्र 2 संतान के लिए मातृत्व अवकाश दी जाएगी, जो अवकाश आरम्भ होने की तिथि से लगातार 180 दिनों तक की होगी। वहीं इसके अलावा विद्यालय अध्यापकों का प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 16 दिन का आकस्मिक अवकाश मान्य होगा। हालांकि नियुक्ति के साल में जितने महीने उन्होंने काम किया है उतने महीनों के समानुपातिक आकस्मिक अवकाश ही स्वीकार किया जाएगा। मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश एवं उपार्जित अवकाश वैतनिक अवकाश है, लेकिन भत्तों का भुगतान सरकार के निर्गत प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। इसके अलावा बिहार सेवा संहिता के नियम के अनुसार छुट्टी का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता है। यदि लोक सेवा के लिए नितांत आवश्यक हो तो छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकार अपने विवेक से किसी प्रकार की छुट्टी को अस्वीकृत या रद्द कर सकता है। हिट एंड रन कानून के विरोध से यात्री परेशान। हिट एंड रन कानून के विरोध में देशव्यापी आंदोलन को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा फिलहाल इस नियम को लागू करने से परहेज करते हुए सभी को जानकारी दे दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी खबर लिखे जाने तक वाहन चालक परिवहन को ठप करके बैठे हैं, जिससे कि आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर कुछ वाहन चल भी रहे हैं तो यात्रियों से उनके द्वारा मनमाना किराया वसूला जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वाहन चालकों के द्वारा जिस कानून को लेकर इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा फिलहाल इस नियम को लागू करने से परहेज किया गया है, उस कानून के तहत जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है, और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे 10 साल तक के कारावास की सजा होती और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाता। बिहार से यूपी और झारखंड के लिए चलेंगी 121 नई बसें। बिहार से उत्तर प्रदेश और झारखंड के लिए 121 बसों के परिचालन के लिए 61 मार्गों का चयन किया गया है। वहीं इसके अलावा बिहार के अंदर 19 अंतर क्षेत्रीय रूट पर भी पीपीडी यानी कि पब्लिक प्राइवेट भागीदारी मोड में 25 बसों का परिचालन किया जाएगा, जिसमें पटना, गया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, छपरा, मोतिहारी समेत अन्य जिले शामिल हैं। वहीं इसको लेकर जल्द ही आवेदन मांगे जाएंगे। मालूम हो कि विभाग के इस पहल से न केवल आम लोगों की जरूरतें पूरी होंगी बल्कि अवैध परिचालन पर भी रोक लगेगा और साथ ही मनमाना किराया वसूलने पर भी रोक लगाई जाएगी। बता दें कि जिन रूटों पर परिचालन होने वाला है उनमें गोरखपुर छपरा, रक्सौल गोरखपुर भाया मोतिहारी, रक्सौल गोरखपुर भाया गोपालगंज कसिया, गया टाटा, गया बोकारो, जमुई टाटा, गया देवघर, गया धनबाद, नवादा, रांची, पटना रांची और पटना देवघर शामिल है। नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी से पास शिक्षकों की तुलना में ज्यादा मिलेगा वेतन। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने का फैसला ले लिया गया है। ऐसे में अब उन्हें सैलरी समेत अन्य कई तरह की सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। वहीं राज्य सरकार की ओर से जारी ज्ञापन संख्या 11 नियमावली 1/2023 में स्पष्ट रूप से वेतन की चर्चा की गई है। उसमें नियोजित शिक्षकों की कैटेगरी को निर्धारित किया गया है। बता दें कि इसके फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार नियोजित शिक्षकों का वेतन बीपीएससी से बहाल शिक्षकों से काफी ज्यादा होगा। राज्य सरकार के द्वारा कैटेगरी के हिसाब से यह व्यवस्था कर दी गई है, जिसमें राज्य कर्मी बनने वाले नियोजित शिक्षकों की बेसिक सैलरी ज्यादा है, उसके बाद उसमें महंगाई भत्ता, मेडिकल, उसके अलावा आवासीय भत्ता और पेंशन फंड की रकम अलग से शामिल है। ऐसे में अगर इन सब चीजों को देखें तो राज्य कर्मी बनने वाले शिक्षकों के वेतन में ज्यादा बढ़ोतरी दिख रही है। बिहार सरकार की ओर से जारी पत्र के पॉइंट 8 में वेतन की चर्चा की गई है, जिसमें साफ दर्ज है कि उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा। अन्य भत्ते राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता दिए जाएंगे। बिहार में हरियाली राष्ट्रीय औसत से 17% कम। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में वर्तमान में हरियाली परत 16% हो गई है। हालांकि राज्य के हरित आवरण को राष्ट्रीय औसत 33% तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऐसे में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए और मौसम के बदलते मिजाज के कुप्रभाव को कम करने के लिए हरियाली परत बढ़ाने की आवश्यकता है। बता दें कि मंत्री के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में 15,55,00,000 पौधारोपण किया जा चुका है। तालाब, आहर और पाइप अतिक्रमण मुक्त हुए। वहीं पिछले महीने बिहार को उसके जल जीवन हरियाली अभियान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित किया गया है। बिहार ने दुबई में 28वां जलवायु शिखर सम्मेलन में अपने क्षेत्र में जंगल बढ़ाने के लिए खूब वाहवाही लूटी। बिहार वनीकरण के माध्यम से जलवायु संकट में एक रोल मॉडल के रूप में उभरा है।
दिव्यांग जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के तत्वधान में वार्षिक खेल कार्यक्रम 2023-24 के अंतर्गत दिव्यांग जिला और राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने वाला है, जिसमें से दिव्यांग पटना जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन पाटलिपुत्र खेल परिसर में 31 जनवरी 2024 को किया जाएगा। इसके लिए 30 साल तक के आयु वर्ग वाले दिव्यांग खिलाड़ी 28 जनवरी तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रतियोगिता को लेकर प्रतियोगिता स्थल पर पर्याप्त पेयजल आपूर्ति और साफ सफाई सुनिश्चित कराने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी पटना नगर निगम और चिकित्सकीय सुविधा के लिए असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। वहीं इसके अलावा दिव्यांग राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 9 फरवरी से 10 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। बिहार बोर्ड ने डीएलएड एडमिशन को लेकर जारी किया नोटिस। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा डीएलएड में सत्र 2023-25 में नामांकन को लेकर नोटिस जारी किया गया है। दरअसल इसमें नामांकन के लिए वर्ष 2023 में संयुक्त परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसके आधार पर एडमिशन लिया गया था। ऐसे में खाली बचे सीटों पर नामांकन को लेकर दूसरे फेज के नामांकन के लिए रिक्त सीटों का विवरण संस्थान के आधार पर समिति की ओर से जारी किया गया है, जो कि समिति के पोर्टल https://dled.biharboardonline.com/ पर अपलोड किया गया है। ऐसे में छात्र इस पोर्टल पर देख सकते हैं और साथ ही रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। वहीं वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा अब तक परीक्षा का शुल्क जमा नहीं किया गया है, वह भी इस पोर्टल से शुल्क जमा कर सकते हैं। नए अभ्यर्थी भी परीक्षा का शुल्क इस पोर्टल से जमा कर सकते हैं। बिहार में खुला क्लेम ट्रिब्यूनल कोर्ट, इन जिलों के लोगों को रोड एक्सीडेंट क्लेम मिलने में नहीं होगी देरी। बिहार के गया जिले में मोटर दुर्घटना प्रतिकार अधिकरण की स्थापना की गई है, जिससे अब बिहार के कुछ जिलों के लोगों को रोड एक्सीडेंट क्लेम के लिए किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि गया में मोटर दुर्घटना प्रतिकार अधिकरण की स्थापना होने से जिन जिलों के लोगों को फायदा मिलेगा, उनमें गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल और नवादा के नाम शामिल है। मालूम हो कि अब लोगों को मुआवजे में सहूलियत मिलेगी और पहले की तरह लंबे समय तक इंतजार करने से छुटकारा मिलेगा। साथ ही लोगों को अब न्याय प्राप्ति के लिए बिहार की राजधानी पटना की ओर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं गया जिले में बिहार मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के जज अशोक कुमार सिंह के द्वारा प्रथम जज के रूप में अपना पदभार संभाला गया है, जिसकी अधिसूचना बिहार सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा जारी कर दी गई है। बिहार बोर्ड की परीक्षा को लेकर शिक्षकों के लिए नया फरमान जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटर की प्रैक्टिकल की परीक्षा को लेकर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर विशेष आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत कहा गया है कि 10 जनवरी से प्रैक्टिकल की परीक्षाएं शुरू होने वाली है। ऐसे में इस परीक्षा के बाद इस बात की निगरानी की जाए कि स्कूल समय से इन कॉपियों की जांच करे। इसके अलावा जैसे ही प्रायोगिक परीक्षा खत्म होती है, वह तत्काल अपने स्तर से सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की बैठक कर जिला शिक्षक अधिकारी को आवश्यक गाइडलाइन देने का काम करे। वहीं फरवरी से वार्षिक परीक्षा भी शुरू होगी। ऐसे में सभी नियोजित शिक्षकों शिक्षिकाओं पर सख्त अनुशासन कायम रखा जाए, ताकि बोर्ड की परीक्षा में किसी प्रकार की बाधा न आए। राज्य के कई जिलों में कोहरा छाए रहने की संभावना। बिहार के सभी जिले कड़कड़ाती ठंड और शीतलहरी की चपेट में है। लोगों को सुबह और शाम के समय में ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। हालांकि दोपहर में धूप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत तो जरूर मिल रही है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर अनुप कुमार चौबे ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि पटना, औरंगाबाद सहित बिहार के अधिकांश जिलों में 5 से 6 जनवरी के बीच बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक की माने तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के अंतर होने के कारण कोल्ड डे जैसे स्थिति बन सकती है। वहीं IMD बिहार के द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी कि 4 जनवरी को राज्य के सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज जिलों में 1 या 2 स्थानों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के शेष जिलों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने की संभावना जताई गई है और इनके लिए ग्रीन अलर्ट जारी किया गया है। शिक्षा विभाग ने एक और टारगेट किया फिक्स, बढ़ रहे आगे। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा एक और टारगेट फिक्स किया गया है, जिसके तहत उच्च शिक्षा में बिहार का सकल नामांकन अनुपात 30% करने का लक्ष्य रखा गया है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा प्रत्येक विश्वविद्यालय को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना भी तैयार की जा रही है। बता दें कि वर्तमान में सकल नामांकन अनुपात यानी GER लगभग 21% है। हालांकि शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार राज्य का GER 19% है। इसी को देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा आगामी बजट में उच्च शिक्षा को
लेकर कई योजनाओं को सम्मिलित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। वहीं विभाग अपने 30% के लक्ष्य को हासिल कर सके इसके लिए प्रदेश के पिछड़े इलाकों में उच्च शिक्षा एवं रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है और साथ ही जिलों को चिन्हित भी कर रही है और उच्च शिक्षा में नामांकन और पढ़ाई की व्यवस्था के लिए राजकीय डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। बिहार की बेटी संचिता बासु ने 2 घंटे के अंदर बटोरे रिकॉर्ड व्यूज। बिहार के भागलपुर की साउथ अभिनेत्री संचिता बासु के एक बार फिर से अपने गाने से धमाल मचा रही है। बिहार की बेटी संचिता बासु ने 2 घंटे के अंदर बटोरे रिकॉर्ड व्यूज। बिहार के भागलपुर की साउथ अभिनेत्री संचिता बासु के द्वारा एक बार फिर से अपने गाने से धमाल मचाया जा रहा है। बता दें कि जी म्यूजिक कंपनी के साथ बीते दिन संचिता बासु का एक गाना इन्ना सोना रिलीज किया गया जिसे 2 घंटे के अंदर ही 30,000 से अधिक लोगों के द्वारा देखा गया। बता दें इस गाना को पंजाबी सिंगर दीदार कर के द्वारा अपनी आवाज दी गई है। वही म्यूजिक और गीतकार अमजद नदीम आमिर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संचिता बासु ने अपनी शुरुआत रील से की थी। वहीं इस गाने से पहले संचिता बासु जी म्यूजिक के बैनर तले फिर से उड़ना है गाने में दिख चुकी हैं, जो वर्ष 2020 में आई थी। वहीं इन्ना सोना गाना की शूटिंग स्थानीय वीडियोग्राफर बिट्टू यादव और उनकी टीम के द्वारा भागलपुर में ही की गई है, जिसमें गंगा घाट दियारा सहित कई खूबसूरत जगहों और कुछ पुराने भवनों को दिखाया गया है। बता दें कि संचिता बासु जल्द ही दूसरी साउथ फिल्म के लिए हैदराबाद जाने वाली हैं। नवादा में 200 लीटर शराब के साथ मोटरसाइकिल जब्त। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है इससे तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन इससे जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की ओर से लगातार कोशिश भी की जा रही। बता दें कि ताजा मामला बिहार के नवादा जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र के तुंगी पुल के पास का है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर नवादा पुलिस के द्वारा छापेमारी करते हुए प्लास्टिक के बोरे में मोटरसाइकिल पर लादे 200 लीटर देशी शराब बरामद किए गए हैं और साथ ही उस मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया है। हालांकि इस दौरान दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार कारोबारी शराब लेकर भागने में सफल रहा और साथ ही पहली मोटरसाइकिल को कारोबारी शराब और मोटरसाइकिल छोड़कर भागने में सफल रहा। फिलहाल इस मामले की छानबीन की जा रही है और जब्त बाइक के आधार पर वाहन मालिक का पता लगाया जा रहा है। बता दें कि इस बात की जानकारी थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार के द्वारा दी गई है। बीपीएससी से चयनित 25,000 शिक्षकों को इस दिन मिलेगा नियुक्ति पत्र। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल हुए शिक्षकों को बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में TRE-1 के तर्ज पर एक मेगा इवेंट का आयोजन कर नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक के द्वारा राज्य के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश जारी कर दिया गया है। बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार 13 जनवरी को दोपहर 3 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, जिसमें पूरे प्रदेश से करीब 25,000 नवनियुक्त शिक्षक शामिल होंगे। इनमें से लगभग 500 विद्यालय अध्यापकों को माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रीगण द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वहीं इसके अलावा अलग अलग जिलों में जिला स्तर पर भी कार्यक्रम का आयोजन कर नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण के लिए कुल 1.20 लाख पदों पर भर्ती निकाली गई थी। बिहार में शराबबंदी के सर्वे पर मद्य निषेध मंत्री का बयान। बिहार में पिछले कुछ समय से लगातार विपक्ष के साथ साथ सत्ताधारी दल के नेता के द्वारा भी शराबबंदी कानून को खत्म करने और समीक्षा कराने की मांग की जा रही है। ऐसे में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी उठते इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक बार फिर से शराबबंदी का सर्वे कराने का ऐलान किया गया था, जिसको लेकर अब JDU कोटे से मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि बिहार सरकार के द्वारा जल्द ही शराबबंदी पर सर्वे कराया जाएगा। फिलहाल सर्वे के लिए एजेंसी का चयन करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कौन सी एजेंसी किस तरीके से काम करती है, उन सभी चीजों को देखते हुए एजेंसी का चयन किया जाएगा और फिर सर्वे के काम को पूरा किया जाएगा। राम मंदिर पर खर्च को लेकर तेजस्वी यादव ने कही बड़ी बात। बीते दिन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा झंझारपुर निवासी प्रसिद्ध समाजवादी राजद के शीर्ष नेता पूर्व राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामदेव भंडारी की प्रतिमा अनावरण के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि मोदी जी बनावटी आदमी है, वे झूठ बोलने की फैक्ट्री है, झूठ के मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई मोदी और अमित शाह से नहीं है, बल्कि मुद्दे की लड़ाई है। हम किसी धर्म का अपमान नहीं करते, खुद भी मुंडन कराया है। छठ व्रत में आस्था है, भगवा रंग किसी की जागीर नहीं है। राष्ट्रीय झंडा में भगवा रंग है, हमारा भी रंग भगवा है, लेकिन हरा रंग लेकर घूमेंगे तो कहेंगे नफरत पैदा करता है। उन्होंने कहा कि बताइए बीमार पड़ने पर हॉस्पिटल जाएंगे या मंदिर, फिर जोड़िए अयोध्या में मंदिर बनवाने में जितना खर्च हो रहा है उससे कितना विकास हो सकता है। हर जगह भाषण देते
कहते हैं कि अयोध्या में मंदिर उन्होंने ही बनवाया, यह मंदिर का राजनीतिकरण है, जबकि भगवान राम तो लोगों के दिलों में है, कन कन में है। बता दें कि बीते दिन तेजस्वी यादव बोधगया भी पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इस दौरान उन्होंने बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा से भी मुलाकात की। पेट्रोल डीजल नहीं होंगे सस्ते, केंद्र सरकार का बयान। साल 2023 के आखिरी हफ्ते में ऐसी खबरें चल रही थी कि केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमतों में 6 से 10 रुपए की कटौती की जा सकती है, लेकिन अब इस खबर को केंद्र सरकार के द्वारा अफवाह बता दिया गया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह के द्वारा इस खबर को लेकर सब कुछ स्पष्ट करते हुए बताया गया कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है, ये केवल अफवाह है। वहीं केंद्र सरकार के इस बयान के बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयरों में 3.27% की तेजी देखी गई। वहीं BPCL के शेयर में भी 1.06% और IOCL के शेयर में 1.76% की तेजी देखी गई। मालूम हो कि ऐसा कहा जा रहा था कि अगर तेल की कीमतों में कटौती की जाती है तो सरकार और तेल कंपनियों के बीच एक समझौते के तहत होगा और कटौती की भरपाई 50-50 फॉर्मूले के तहत होगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में मोहम्मद सिराज ने बरपाया कहर। बीते दिन केपटाउन में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में भारतीय टीम की ओर से मोहम्मद सिराज के द्वारा शानदार गेंदबाजी करते हुए कहर बरपाया गया। बता दें कि बीते दिन हुए इस मैच में डीन एल्गर के द्वारा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया गया, जिसके बाद पहले ही पारी में मोहम्मद सिराज के द्वारा गेंदबाजी में अपना कमाल दिखाते हुए 6 विकेट अपने नाम कर लिए गए। वहीं मोहम्मद सिराज के अलावा मुकेश कुमार और जसप्रीत बुमराह के द्वारा भी 2-2 विकेट अपने नाम किए गए, जिससे साउथ अफ्रीका की टीम पहली पारी में केवल 55 रन पर सिमट गई। मालूम हो कि मुकेश कुमार ने 2.2 ओवर फेंके और दोनों ओवर मेडन फेंकते हुए एक भी रन नहीं दिया और इसी के साथ मुकेश ऐसा करने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। वहीं मोहम्मद सिराज के अलावा टेस्ट क्रिकेट में केपटाउन में 5 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज में श्रीसंत, हरभजन सिंह और जसप्रीत बुमराह के नाम भी शामिल हैं। भारत इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। ब्रिटिश ईस्ट इंडीज के वायसराय वेलिंगटन ने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को 1932 में गिरफ्तार किया। किंग जॉर्ज पंचम ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की आधारशिला 1906 में रखी। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस का उद्घाटन 1972 में हुआ। बांग्लादेश ने भारत को 1998 में उल्फा महासचिव अनूप चेतिया को सौंपने से इनकार किया। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जफर उल्ला खान जमाली के बीच 2004 में इस्लामाबाद में वार्ता आयोजित हुई। भारत में स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के आदेश पर 2010 में शेयर बाजारों के खुलने का समय 1 घंटा पहले सुबह 9 बजे कर दिया गया। 1892 में भारत के एक अर्थशास्त्री जेसी कुमारप्पा का जन्म हुआ। 1925 में कवि गोपाल दास नीरज का जन्म हुआ। 1931 में अभिनेत्री निरूपा रॉय का जन्म हुआ। 1965 में अभिनेता आदित्य पंचोली का जन्म हुआ। 1988 में भारतीय लेखक नाबीला जमशेद का जन्म हुआ। 1925 में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता प्रदीप कुमार का जन्म हुआ। 1887 में प्रसिद्ध साहित्यकार लोचन प्रसाद पांडे का जन्म हुआ। 1931 को मोहम्मद अली का निधन हुआ, जो भारत के प्रसिद्ध पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। 1905 को अयोध्या प्रसाद खत्री का निधन, खड़ी बोली के प्रसिद्ध कवि थे। 1994 को राहुल देव बर्मन का निधन हुआ, जो हिंदी फिल्मों के मशहूर संगीतकार थे। 2016 को SH कपाड़िया का निधन हुआ, जो भारत के 38वें मुख्य न्यायाधीश थे। 1983 को झाबरमल शर्मा का निधन हुआ, जो राजस्थान के वयोवृद्ध साहित्यकार, पत्रकार एवं इतिहासकार थे। वायरल में आज हम बात करेंगे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कथित तौर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंध एक वेबसाइट सरकारी नौकरियों की पेशकश करने का दावा करती है और गैर वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क के रूप में 435 रुपए मांगती है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह वेबसाइट भारत सरकार से संबंध नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट http://socialjustice.gov.in है। टेलीग्राम में कंपनी ने जोड़े नए फीचर। सोशल मीडिया कंपनी टेलीग्राम ने अपने ऐप में कुछ नए फीचर्स ऐड किए हैं। टेलीग्राम के 10.5.0 अपडेट में कंपनी ने कॉलिंग इंटरफेस को बदला है, साथ ही बॉट्स को अपग्रेड और थानोस एनिमेशन को भी ऐप में डिलीट होते हुए मैसेजेस के लिए जोड़ा है। नया अपडेट न सिर्फ नए फीचर्स लेकर आया है, बल्कि ये पहले से कम रिसोर्सेज भी यूज करता है, जिससे बैटरी की खपत ज्यादा नहीं होती और ये फास्ट काम करता है। नए अपडेट में कंपनी ने कॉलिंग इंटरफेस को एकदम बदल दिया है। अब आपको कॉलिंग के दौरान एक नए तरह का एनिमेशन और इमोजी बैकग्राउंड स्क्रीन पर दिखाई देंगे। साथ ही ये कॉल के स्टेटस के हिसाब से बदलते भी रहेंगे। जैसे अगर कॉल रिंगिंग मोड में होगी तो कुछ अलग एनिमेशन नजर आएगा। पिकअप के दौरान कुछ और कॉल खत्म होते हुए बैकग्राउंड फिर बदल जाएगा। कंपनी ने कहा कि नए अपडेट में उसने कई बग्स को फिक्स किया है, साथ ही कॉल क्वालिटी को भी बेहतर करने पर काम किया है।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में पीक आवर्स में सबसे अधिक बिजली की आपूर्ति करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, हाल ही में नासा पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन किस तिथि को करेगा? ऑप्शन ए 13 अप्रैल 2024, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 2026, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 2028, ऑप्शन डी 13 अप्रैल 2029। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 13 अप्रैल 2029। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण 5 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं? ऑप्शन ए नाइजीरिया, ऑप्शन बी जिम्बाब्वे, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत। अगला सवाल, बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन ए 1857 के विद्रोह से, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन से, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोली कोड की घटना कब घटी? ऑप्शन ए 15 फरवरी 1939, ऑप्शन बी 15 फरवरी 1933, ऑप्शन सी 15 फरवरी 1931, ऑप्शन डी 15 फरवरी 1932। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 15 फरवरी 1932। बीते दिन हमारे द्वारा पूछ के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछ के सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विकास दास, अर्शद अंसारी, रंजीत मिश्रा, विवेक मिश्रा, अतीक खान, गोनर शर्मा, हलेश्वर कुमार, कुश कुमार यादव, प्रहलाद कुमार, सदुल्लाह पलवी, सुधीर कुमार, जितेंद्र ठाकुर, राजकिशोर महतो, मोहम्मद शकीर हुसैन, शोभानंद ठाकुर, रवि कुमार राज। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, मौजूदा राजनीतिक हलचल को देखते हुए आपके अनुसार क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाना चाहिए? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।